हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंस्टेंट झटपट से नवरात्रि थाली बनाकर तैयार करेंगे, जिसे आप 15 से 20 मिनट में झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये एनर्जी से भरपूर है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसके लिए मैंने 100 ग्राम सिंघाड़े का आटा ले लिया है। इसे हम पूड़ी बनाएंगे। 2 बॉयल आलू लिए हैं। आलू को हम लोग सबसे पहले कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो हाथों से इसे मैश भी कर सकते हैं। आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून सेंधा नमक डालेंगे। आप डालना चाहें तो डालें या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं इसे, बस इसे टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आता है इसीलिए। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे आटे में। आलू को मैंने ठंडा लिया है, इसे गर्म नहीं लें, नहीं तो फिर आटा जो है आपका हल्का सा मैश भी हो जाएगा, ठीक से फिर आप उसे गूंथ नहीं पाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रेसिपी को बना के ज़रूर देखिएगा। सब चीज़ों को मैं अच्छे से बाइंड कर ले रही हूँ। आलू को मैंने अच्छे से सिंघाड़े के आटे में मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालें क्योंकि सिंघाड़े का आटा ज़्यादा पानी सोक नहीं करता है। और इसका एक डो बना लेंगे हम लोग। मैंने इसका एक स्मूथ सा डो तैयार कर लिया है। इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए रखेंगे। तब तक चलिए हम सब्जी बना लेते हैं। घी गर्म हो चुका है। इसमें हम 1/2 टेबल स्पून जीरा डालेंगे। जीरा को अच्छे से चटकने देंगे। और यहाँ मैंने 4 उबले हुए आलू ले लिए हैं, जिसे मैंने बीच से कट कर लिया है। इसे हम घी में डालेंगे, आग को तेज करेंगे और आलू को हल्का लाल होने देंगे। आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इस समय हम इसमें कटे हुए हरे मिर्च डालेंगे। मैंने 3 हरी मिर्च का यूज किया है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इस समय हम धनिया पाउडर डालेंगे और इसमें ही मैंने जीरा पाउडर भी मिक्स कर लिया है, जो 1 टेबल स्पून के करीब है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। ये व्रत वाला नमक है। 1 मिनट के लिए मसालों को भून लेंगे। ये मैंने पीनट्स लिए हैं, तो 2 चम्मच के करीब है। इन्हें मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब इसमें हम यहाँ पे डालेंगे। इससे सब्जी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है और सब्जी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी से भरपूर बन जाती है। ये नवरात्रि स्पेशल सब्जी है। आप एक बार इसे नवरात्रि में ज़रूर बनाकर देखें, आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। 1 मिनट तक सभी चीज़ों को अब रोस्ट होने देंगे। इस सब्जी को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सभी मसाले अब भून चुके हैं। अब इस स्टेज पर हम 1 कटा हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर को 1 मिनट के लिए पकने देंगे। टमाटर अब गल चुका है। आप चाहें तो इस सब्जी को ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसको ग्रेवी बनाकर खा सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। और इसे 2 मिनट के लिए हम लोग खोलने देंगे। मैं इसे ढक देती हूँ। 2 मिनट हो चुके हैं। आइए हम सब्जी चेक कर लेते हैं। धनिया पत्ता डालेंगे ताकि इससे टेस्ट और भी बढ़ जाए इसका। आप एक बार इस सब्जी को व्रत में जरूर बना के देखें, ये बहुत ही टेस्टी और एनर्जी से भरपूर है। अब हम अपनी पूड़ियाँ बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक की शीट ले ली है, जिसे हम घी या तेल से ग्रीस कर लेंगे। मैंने दोनों तरफ रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। अब रोटी के बराबर एक बॉल बना लेंगे। ये हल्का मोटा बनता है, गेहूँ के आटे के जैसे पतला नहीं बन पाएगा। अब इसे हम हाथों की मदद से हल्का सा दबा लेंगे। देखिए हमारी पूड़ी रेडी हो गई है। अब इसे हम लोग फ्राई करेंगे। हमारी इंस्टेंट व्रत की थाली तैयार हो गई है, जिसमें मैंने सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ
और आलू की सब्जी बनाई है, जिसे हम फटाफट बना के हमने रेडी कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा सैलड देंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और व्रत में एक बार इस थाली को बनाकर जरूर देखिएगा, आपको ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। मैं इसमें थोड़े से पापड़ भी रख रही हूँ, जो खाने में काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची लगते हैं। ये व्रत के पापड़ हैं। इसकी अगर आपको रेसिपी जाननी हो का लिंक मैं डाल दूँगी, आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा और एक बार व्रत में बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। हमारी व्रत की इंस्टेंट थाली तैयार हो गई है, आप इसे एक बार बना के घर पर जरूर देखें। थैंक यू वॉचिंग माई चैनल।